ज्यादा ये हमारा कार्तिक एक्साइटेड है कि केक काटने के लिए, और देखिए नाइफ मांग रहा है कि दो 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 हम काटे, अभी रुक जाओ दादी को, जाओ दादी बुला लाओ। अरे कैसे गिर जाएगा, जाओ दादी बुला के लाओ। आरो भी काटेगा ना आरो? अच्छा नहीं है, अच्छा ठीक है। भाई के आने की खुशी में दीपक भाई ने मेरे लिए केक लाया है, और हाँ आपके लिए। तो हम देखिए केक काटने जा रहे हैं, हम आरो और कार्तिक मिल करके केक काटेंगे, है ना आरो? हाँ। आरो के बर्थडे में हम नहीं आ पाए थे क्योंकि मुझे कहीं जाना था, और आरो का बर्थडे हमारे ब्लॉग में आ चुका था कि मैं बताया था कि किट्टो नहीं आ पाए, क्योंकि किट्टो को ज्यादा था अम्मी जी के दोस्त की एंगेजमेंट और शादी भी थी, मैंने ब्लॉग में बता दिया था। नहीं कहते नहीं आओगी तो हम नहीं काटेंगे, बोल दो किट्टो बोलिए कि नहीं आओगी तो हम वो नहीं काटेगी केक, जाओ बुला के लाओ, जाओ जल्दी। नहीं बुला के आओ ना, कह दो कि बुलाई है, जाओ जाओ। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि हमारा ये केक तैयार हो गया है, और बच्चे लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो पहले दो तीन फोटो तो खींच लेते हैं भाई साहब, कौन फोटो खींचेगा? चलिए फोटो खींच लेते हैं, चलिए गाइस मिलते हैं फोटो खींचने के बाद। पहले फोटो खींचा, बस बस ले फोन से देख। तो गाइस चलते हैं अब केक काटते हैं, फिर केक काटने का थंबनेल कोई और नहीं लेगा, चलो उसी में से निकाल लेंगे। आ जाओ बच्चों, चलिए गाइस निकालते हैं हम लोग थंबनेल। और कार्तिक बेटा मेरा केक काटता है तो इसके बुआ का मन बहुत काटने का, देख सकते हैं यहाँ पे युवराज भी है, किट्टो है, मम्मी है, भाभी है, आरव है, कार्तिक है, सोना परी मरी है। ये कितना बोलती है, आजकल बोलना सीख गई है अपने भाषा। एक साल की बेटा हम लोग देखे तो क्या बोलेंगे आज, ऐसे ही हैप्पी बर्थडे बोलना है क्या? कुछ नहीं बोलना, आरव का हैप्पी बर्थडे तो नहीं आएगा। बर्थडे आरव, हैप्पी बर्थडे कार्तिक, दिस इज कार्तिक का फिर इनका, कार्तिक का हैप्पी बर्थडे रोज होता है, ये कार्तिक जब भी लाओ ना कार्तिक ले, अगर केक ला दे उनका हैप्पी बर्थडे हो गया। अरे किट्टो खिला रही है कार्तिक को, अरे आप खाओगे, खास खा लो फिर पूरा खा लेना। अब आरो नहीं, ये नहीं खाएगा, ये केक नहीं खाता है, आप खाते हो क्या? तो गाइस अगर ये वीडियो पूनम दीदी देखेंगी तो कितना अच्छा लगेगा कि आरो का बर्थडे, और नहीं आए तो सबके चलेंगे आरो का केक लेकर चलेंगे, आरो केक खाएगा, सही बात है। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। इसके फूफा का बर्थडे था, कह रहा था बुआ आएगी तो केक सबको बर्थडे का, भाभी और नगर में कितना प्यारा हम लोग देख सकते हैं। अच्छा नहीं है, शुरू का क्या अच्छा नहीं है, पूरा अच्छा पूरा नहीं यार, पूरा 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 कैसे काटेंगे फिर अंदर तक, काफी लंबा होगा। हाँ ऐसे जैसे ना बहुत बड़ा जाएगा। अच्छा तुम बड़ा खाना चाहते हो तो ऐसे बताओ ना, नहीं नहीं आप खाओ पहले। अरे इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं है, देखिए राजू खिला रहे, कैमरा शॉट इधर कर देते हैं कि चेहरा नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है, देखिए खा चुका केक, मम्मी बैठी है, मम्मी मेरी कल व्रत रहेगी, चलो अंडा 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 होगा, पता नहीं है जहाँ से भी आया होगा अंडा होता है ना, मुझे केक खिला रही है, मैं भी केक इतने खिलाऊंगा, यही केक नहीं खाएंगे, हम केक नहीं खाएंगे, केक अच्छा है यार, केक वाकई में बहुत अच्छा है। खिला रहा है, ले लो, आप लोग देख सकते हैं कितना प्यार है, नहीं हम नहीं, मम्मी कल मेरे गुरु आके व्रत इसलिए केक नहीं खाने, क्योंकि अंडे में मतलब केक में अंडा मिला होता है। और सोना को देखिए कैसे भाग रही है, अब ये सारा केक कार्तिक खाएगा, आरव खाएगा, और जिसको खाने लगा वो खाएगा। कौन आ रहा है? अच्छा कैसे पता? ये अंकित है, अंकित है, बोले ना सोना के लिए, सोना के लिए सोना हार चाहिए। आ जाओ खिलाओ ना उसको, खिला के आओ पंकज भैया, आप नौकरी हो गए।
तो गाइस आप लोग कहते हो कि हमारे परिवार वाले आरो को प्यार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। आरो को नहीं, कमेंट बहुत आता है ना कि आप लोग आरो का कम ध्यान देते हो, आप लोग कार्तिक और सोना परी ज्यादा कहते हो, तो ऐसी कोई बात नहीं। दिखता कम है ना, दिखता कम है, वीडियो कम भी आना चाहता है और जहाँ भी देखे हम आता नहीं है, तो ये बहुत ही दूर रहता है वीडियो से, क्योंकि जब हम घर पे आते हैं तो वीडियो जब शुरू करते हैं तो वहाँ पे परी और सोना का काम चल जाए ना। ये देखिए भाई साहब आ चुके हैं बाहर से, टोपी का देखिए कैसा लग रहा है, जैसे ये नेपाल के टोपी लगाए हुए हैं, जैसे वो हिम बेसिन वाले आते हैं ना। ले जाओ, अब जितना खाना है तुम लोग खाना अपना, ठीक है, आप प्लेट में दे रहे, तुम लोग को लगा कर देगा यार, पसंद होता है यार खाना बहुत। अरे लग जाए, आप लग जाएंगे चिंता मत कर, लेकिन कभी खाई नहीं हम लोग, नहीं खिलाए तुमको भाई, आओ यार, आओ यार, 60 किलो बकरा बना था, और चलो चलो, 60 किलो बकरा बना था, 60 किलो कौन खाया इतना, खाली 125 नहीं, कहाँ पे था प्रोग्राम, ये देखो मेरे बुआ का लड़का है, बताएं कि मेरे बुआ का लड़का है। देखिए अब से भाई आ गया है, केक खा रहा है पूरा एकदम चकर, केक कैसा फ्लेवर, केक कैसा है, बर्थडे की खुशी में उस दिन नहीं है तो केक हम लेकर आए, चलो केक दे रहे हैं, ये भी बहुत जिद कर रहा था, और देखा फंगस भैया इतना बड़ा ना खाई यार, अरे खाई, अरे हम आलू बर्थडे केक नहीं खाए रहे, अलो यही खाता, ये देखिए मेरे भाई जी को ये इतना बड़ा मोबाइल है, क्या वाला प्लेट है ना, जल फाइबर वाला प्लेट है, हाँ स्टैंड पे है, 2-3 4 अब जाए, आपने देखा किट्टू ने केक, आप लोग शांत रहो ना, तो सो गाइस आपने देखा किट्टू ने केक काट दिया है और कार्तिक के साथ आरो के साथ आरो का बर्थडे सेलिब्रेशन कर लिया और कार्तिक का मन था, तो इसके प्लस में आरो के बर्थडे के उपलक्ष में किट्टू ने केक काटा हुआ है, किट्टू उसके बर्थडे में नहीं पहुंच पाई थी, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि किट्टू गई है अपने अमित जी के दोस्त के एंगेजमेंट और शादी में नहीं पहुंच पाई थी, इसलिए आज किट्टू ने केक काटा है आरो का, तो आप लोग इस वीडियो को प्यार देते रहेगा, और मुझे सोना को भी, सोना को भी, हमारी सोना तो हमारी वीडियो में आती रहती है, केक काटे, आशा केक तो कट चुका है, अब देखा है, आप ही का केक है बेटा, चलिए दोस्तों मिलते हैं कुछ देर में आप लोगों से, बाय बाय, अभी करते हैं बाकी मिलते अभी निकाल दे। तो गुड मॉर्निंग फैमिली, कैसे हैं आप सब, आप सबका स्वागत है किट्टू ब्लॉग्स के चैनल पे। तो गाइज कल मैं रात में खुद ही आई 8:30 तक, और उसके बाद मम्मी से बात करना, भाभी लोगों से, बच्चों लोगों से, फिर केक वगैरह काटना, ये सब करते करते ना बहुत देर हो गया, फिर इसके बाद क्या हुआ कि खाना पीना खाएं, और फिर मेरी ननद जी का और मेरी सिस्टर का फोन आ गया, वंदना दी का, तो बात करते करते हम लोगों को 1 बज गया था, तो फिर मेरा ना मेकअप रिमूव करने के लिए टाइम ही नहीं मिला, और फिर मुझे इतना तेज नींद आई, इतना तेज नींद, मैं बोली यार फोन रख दो, फोन रख दो, लोग रखी नहीं थी, और एक सब लोग सोच रहे थे कि ये रखे वो रखे ये रखे, इतने में कोई नहीं बोला, तो हम ही बोल दिए भैया फोन रखो, बहुत ही नींद आ रही है, और मैं ना सब लोग सो के उठ गए थे, और मेरा कार्तिक आया, ए बुआ 11 बज गया है उठ जाओ, ए बुआ 11 बज गया उठ जाओ ना कार्तिक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, और मेरा कार्तिक चाय ब्रेड खा रहा है, तो मेरे कार्तिक से बोली हूँ कि आप चाय मत पिया करो, तो बोले बुआ आप नहीं पीती हो, हम नहीं पीते हैं, आप काला चाय पीती हूँ, मैं काला चाय भी नहीं पीती, मैं ग्रीन टी पीती हूँ, अब मेरी सोना के देखिए, ये सोना हम और भाभी जी मुझे देखिए गरम गरम पानी, भाभी जी हम बहुत गरम पीते हैं, ठीक है गरम है, तो ये हम लोग गरम गरम पानी पी रहे हैं, 1 गिलास पानी पी लेंगे, क्योंकि ससुराल में हम नहाकर नहाते थे तब पीते, लेकिन मेरा आदत था कि हम पहले बासी मुंह 1 गिलास गरम पानी पीते थे, तो ये देखिए भाभी जी मेरी गरम गरम पानी 1 गिलास लेकर आई है, अब अभी फिनिश नहीं किए, इधर बुआ खिलाएगी, बुआ खिलाएगी, देखो मेरे पानी पी लिए है,
अब मैं थोड़ा सा गर्म पानी पीने से क्या होता है ना कि पेट अच्छे से साफ हो जाता है। अब कार्तिक कह रहा है कि ये मुझे बुआ ही खिलाएंगी, है ना कार्तिक? दूध मत दो उसको अभी, जगह तो ये खा पी लेता है, इसको मैं खिला लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो फैमिली, ये देखिए ये किट्टू भी ना आ जाती है ना तो बस उसको साफ सफाई में इसका ध्यान लग जाता है, बस आते ही देरी नहीं कि देखो झाड़ू वाड़ू लगाने लगी कितना। मैं बोली कि छोड़ो जाने दो हम कर लेंगे, लेकिन कह रही नहीं नहीं आपका खाना पीना बना रही हूँ, इधर बच्चे भी संभाल रहे कि कुछ ना कुछ। अरे हो गया मेरा तो रोज का हैबिट, अब तो हैबिट बन गया है। कार्तिक ये जो ब्रशिंग में रखो बेटा, देखो बुआ क्या दे रही है आपको। कार्तिक मेरे को ब्रश कराना है तो ब्रश लेकर टहल रहा है कि बुआ ब्रश कर लो। हाँ अब जब तक दे नहीं देगा ना वो बैठेगा नहीं, गया वो रखने। हाँ चलो अब बंद करो, लॉक करो, आप भी रख दो उसको भी। तो दोस्तों हम लेते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं कुछ देर में। तो गाइज हम नहा लिए हैं, अब इसके बाद हम चल रहे हैं, ड्रेस पहनते हैं। मैं घर में पोछा लगा रही थी तो सामने का है ना, जैसे कि साथ में हम लोग खेले कूदे हैं तो बोले थी आओ मिल लो, बोली कब जा रही, मैं बोली मैं परसों चली जाऊंगी, तो बोली कि यार आज के मिल लो, तो ठीक है मैं रेडी होकर खाना ना खा करके, मैं भाभी कब से कह रही हूँ खा लो और हम खाए नहीं अभी, तो हम जाते हैं नहा करके। दो बजने वाले अभी, हम नहाए नहीं थे तो थोड़ा लेट में उठे, लेट उठने के बाद थोड़ा सा इधर उधर मोबाइल से चलाने लगे, रात में आते सो गए थे, कोई हमको देखा होगा नहीं, तो सुबह सबसे मिलने में इतना टाइम चला गया, तो अभी हम रेडी होकर खाना खा के हम सब से मिलते हैं। अभी हम क्या करने जा रहे हैं, तैयार होने जा रहे हैं, और मुझे ये साड़ी जो मेरी ननद जी ने दिया था तो मैं सोच रही थी कि मैं यहीं पे सिलवा लेती हूँ, फिर सिलवा करके कल यही पूजा में पहन के जाऊँगी, सोच तो यही रही थी, लेकिन देखते हैं अगर सिला जाएगा तो ठीक है, नहीं सिला जाएगा तो कोई बात नहीं। दो बज रहे, दो बजे के बाद देखिए कोई टेलर खाली रहे तब ना, पहले तो लगन चल रहा है, लगन में कोई सिल कर देगा एक दिन में, वो भी और दिन छोटी, पता नहीं नहीं देगा, चलेंगे नहीं पहनेंगे बस यही। ये कार्तिक क्या कर रहा है इधर बैठकर, ये इसको मेकअप में बहुत इंटरेस्ट है ना कार्तिक? हमें नहीं है, हमें नहीं है, हमें नहीं है। वन टू पीना थोड़ी ना है, क्या करेंगे खाके भाभी जी, करते करते इधर क्यों आ गए बुआ को? बुआ से उग गया, बुआ को तैयार कर रहे थे ना, इधर क्यों आ गया, क्या खोज रहा है दादी के बैग में? चॉकलेट है ना, चॉकलेट मंगा दे, क्या करती है? इनका कोई डिमांड नहीं है, बस इनका बहुत डिमांड। दादी स्कूल गई थी तो टॉफी लेके आई है, पता नहीं स्कूल में टॉफी बांटता है क्या? आपका मेकअप हुआ? हाँ जी हो गया। करते और क्या समझती है मुझे आप, अब रेगुलर का यही चीज है तो क्या करना है, सही बात है।